हेलो व्यूअर्स, आप सबका हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आम का अचार बनाएंगे, वो भी दो तरह के अचार। जैन में कुछ लोग साल भर स्टोर किया हुआ अचार नहीं खाते, तो उनके लिए खास इंस्टेंट कटकी अचार बनाएंगे जो आप तुरंत बना के इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, साल भर के लिए जो अचार बनाते हैं वो बहुत ही कम तेल, परफेक्ट मसाले के नाप और कौन सी मैंगो से हमें अचार बनाना है साल भर का, ऐसी कई सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको शेयर करूंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से दो तरह के अलग अलग अचार बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट अचार बनाने के लिए हमको इस तरह की देसी मैंगो का यूज करना है। 250 ग्राम आम लिए हैं मैंने यहाँ पे। इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए इस तरह से पानी में भिगो देंगे। इसी के साथ साल भर की मैंगो का अचार बनाने के लिए हम इस तरह की राजापुरी कैरी लेंगे। आप चाहे तो राजापुरी कैरी की जगह पे लाडवा कैरी आती है वो भी ले सकते हैं। अचार के आम हमें एकदम इस तरह के कच्चे और बिना दाग के खरीदने हैं। कभी कभी आम के ऊपर इस तरह से रसा लगा हुआ होता है, जिस वजह से इसे भी हम 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखेंगे और जो हमने इंस्टेंट अचार बनाने के आम रखे थे पानी में वो निकाल देंगे। अचार बनाने से पहले आम को अच्छी तरह से सूखे कपड़े से साफ करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी का भाग नहीं रहे, वरना हमारा अचार बिगड़ सकता है। सबसे पहले हम आम का अचार बनाने के लिए जो नमक इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। कम से कम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इस वजह से इसमें जो पानी का हिस्सा रहा होगा वो सिकने से नहीं रहेगा और हमारा अचार खराब नहीं होगा। इंस्टेंट आम का अचार बनाने के लिए पहले हम ये छोटी वाली मैंगो है उसको अच्छे से छील लेंगे। ये अचार हम बना के तुरंत ही इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसके छिलके अगर निकाल दिए होंगे तो ये अचार टेस्ट में कड़वा नहीं लगेगा। और छिलके निकाले हुए मैंगो के स्लाइस होंगे वो तुरंत ही मसाले में घुलने लगेंगे, जिससे अचार का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इंस्टेंट आम का जो कटके अचार बनाते हैं उसके लिए देसी मैंगो का यूज इसलिए करना होता है क्योंकि इसमें जो मैंगो का जूस होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, जिस वजह से देसी मैंगो मसाले में तुरंत ही अपना जूस छोड़ना चालू कर देती है और अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, अब इस आम के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। साल भर का जो हम आम का अचार बनाते हैं उसमें हम पीस थोड़े बड़ी साइज के रखते हैं, पर ये इंस्टेंट अचार होता है वो तुरंत इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इसके जो पीस है वो हम बहुत ही छोटे छोटे बनाएंगे। देखिए, वीडियो में जैसे बताया है वैसे छोटे छोटे पीस करने हैं। अब सबसे पहले हम 2.5 टेबलस्पून ऑयल गरम कर देंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल मूंगफली का तेल ही लिया है, अगर आप सरसों का तेल पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा गर्म करेंगे और फिर इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ताकि हमारी जो रेड मिर्च हम अचार में डाले वो इससे जले नहीं और हमारा अचार काला नहीं पड़े। तेल थोड़ा ठंडा होता है तब तक हम इसमें मसाले कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 स्पून नमक लिया है, 1/4 चम्मच इसमें हींग डाल देंगे, 2 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, आप चाहे तो इसमें भुना हुआ जीरा भी 1/2 चम्मच डाल सकते हैं। अब इन मसालों को आम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो गरम किया था तेल वो डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि तेल अभी भी थोड़ा गरम है, इसलिए हम मिर्च ऊपर से डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच में देसी मिर्च ले रही हूँ जो तीखी वाली होती है। इस तरह से इसमें कश्मीरी मिर्च का यूज करने से इसमें मसाला भी ज्यादा होगा और अचार भी लाल कलर का अच्छा बनेगा। इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से तेल के बाद इसमें मिर्च डालने से आपका मिर्च का जो कलर है वो अचार में बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, वरना अगर आप मिर्च डाल के उसके बाद गरम तेल इस पे डालेंगे तो वो थोड़ा सा अचार का कलर डल हो जाएगा। देखिए, हमारा इंस्टेंट अचार बनके तैयार है। आप इसे 1/2 से 1 घंटे बाद खाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं, तब तक इसमें से जूस भी छूटने लगेगा और ये अचार और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। साल भर का अचार बनाने के लिए जो राजापुरी के आम हमने भिगो के रखे थे उसे भी सूखे कपड़े से एकदम से ड्राई कर लेंगे। अब इन आम को काट के छोटे छोटे पीस करेंगे। इसके हमको छिलके नहीं उतारने हैं, ये हम साल भर के लिए स्टोर करने वाले हैं, तो इसको हम छिलके के साथ ही इसके पीसेस करेंगे। आज मैं जो आम का अचार बना रही हूँ वो टोटल 1 किलो के लिए बना रही हूँ।
पर सारे मसाले और तेल को मिला के ये अचार कम से कम 1 किलो और 250 ग्राम का यानी कि 1.25 किलो अचार तैयार होगा। इसलिए अगर आप अचार बनने के लिए जार ले रहे हैं तो वो आपको कम से कम 1.5 किलो के हिसाब से लेना है। आम थोड़े ही टाइम में अपना जूस छोड़ना चालू कर देता है, इसलिए आप जो अचार भर रहे हैं उससे थोड़ी सी बड़ी साइज का ही आपको जार लेना होता है। अचार के लिए आपको कौन सा जार यूज करना चाहिए वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। आज हम अचार के लिए जो मसाले लेंगे वो सब नाप के लेंगे, इसलिए आज मैं वीडियो में सारे मसाले आपको नाप के दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम अचार बनाने के लिए सरसों का पाउडर 100 ग्राम लेंगे। सरसों का पाउडर यानी कि मस्टर्ड सीड्स जो राई आती है जिसे राई बोलते हैं उसका पाउडर लेंगे। ये आपको कोई भी किराना स्टोर में इजीली मिल जाएगा। अब इसमें 30 ग्राम मेथी का पाउडर यानी कि फेन्युग्रीक सीड्स आते हैं उसका पाउडर लेंगे। अब इन दोनों पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे। दोनों पाउडर का वजन मिला के टोटल 130 ग्राम था, इसलिए हम जो लाल मिर्च पाउडर लेंगे वो भी हम 130 ग्राम ही लेंगे। यानी कि सरसों का चूरा और मेथी का चूरा मिला के जितनी क्वांटिटी होती है उतनी ही हमको मिर्च लेनी है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून देसी मिर्च मिक्स कर दी है, यानी हमको देसी मिर्च और काश्मीरी मिर्च पाउडर मिला के 130 ग्राम लेना है। अब इसमें 150 ग्राम जितना ऑयल लेंगे। मैंने यहाँ पे मूंगफली का तेल लिया है, अगर आप सरसों का तेल पसंद करते हैं तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। 1 किलो आम के हिसाब से हम 1/3 कप नमक लेंगे। नमक आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कम से कम 6 नींबू का जूस निकाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून हींग ली है। अचार में कई लोग स्ट्रांग हींग यूज करते हैं, तो हींग आप जो आपकी हींग की स्ट्रांगनेस है उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब एक बाउल पे इस तरह से स्ट्रेनर रखेंगे और सारे नींबू में से ये जूस निकाल लेंगे, जिसे नींबू में जो भी रेसे होंगे वो स्ट्रेनर में आ जाएंगे। देखिए कम से कम 5 टेबलस्पून जितना नींबू का जूस निकला है। अब हम अचार में डालने के लिए तेल को गर्म कर देंगे। ज्यादा उबालना नहीं है, हल्का सा गर्म करके फ्लेम को बंद कर देंगे। 2 मिनट हो गए हैं तेल को गर्म होते हुए। अब फ्लेम को बंद करके इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अचार के लिए हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए इस तरह की बड़ी सी थाल लेंगे और उसमें सबसे पहले हम मिर्च डाल देंगे। सबसे पहले हम मिर्च को इस तरह से किनारे पे डालेंगे ताकि जब हम बीच में तेल डाले वो थोड़ा सा भी गर्म हो तो मिर्च का कलर है वो डल नहीं हो। अब सरसों और मेथी का पाउडर जो हमने मिक्स किया था वो इस तरह से डाल देंगे। अचार बनाने में ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखें। और सारे मसालों के नाप जैसे मैंने वीडियो में बताए हैं उसी तरह से लीजिए। अब इसके बीच में हम नमक डाल देंगे। नमक भी हर घर में अलग अलग तरह का यूज होता है। कई नमक बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और कई ज्यादा टेस्ट में फीके होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब सबसे बीच में हम हींग डाल देंगे। अब हल्का सा गरम तेल डाल देंगे इसमें। अगर आपको लगे कि तेल ज्यादा गरम है तो आप इस मसालों को इसी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए रहने दीजिए और फिर मिक्स कीजिए। अब इन सारे मसालों को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू रेसिपी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने जो आम के टुकड़े करके रखे थे उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे और मसालों को आम में अच्छे से मिक्स करेंगे। आज मैंने जो आम का अचार बनाने की आपको मेथड बताई है वो सच में बहुत ही टेस्टी बनता है, पर हमने जो अचार बनाया है वो बहुत ही कम तेल में बनाया है, इसलिए आपको ये फ्रिज में ही स्टोर करके रखना होगा। दूसरी बात कि इस आम को हमने धूप में भी नहीं सुखाया है, इसलिए अगर आप बाहर स्टोर करके रखेंगे तो इसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है। मैं पिछले कई साल से इस रेसिपी से आम का अचार बना रही हूँ। सच में ये पूरे साल रहने के बाद भी ऐसे का ऐसा लाल रहता है। मैं वीडियो में आपको आगे का मेरा 1 साल पुराना अचार भी दिखाती हूँ। और दूसरा, इसमें तेल भी बहुत ही कम जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसी रेसिपी से अचार बनाइए। बहुत ही टेस्टी बनता है और पूरे साल फ्रिज में रखने की वजह से ये ऐसे का ऐसा रहता है।
देखिए सारे आम के टुकड़ों में मसाला अच्छे से लग गया है। इसे हम अब एक चम्मच से अच्छे से दबा लेंगे और 24 घंटे के लिए इसी तरह से किसी भी कांच के बर्तन में या तो फिर किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में बाहर रखेंगे। अब इसे ढक के 24 घंटे के लिए रख देंगे और बीच बीच में एक दो घंटे में इसे हिलाते रहेंगे। देखिए इंस्टेंट अचार को बनाए हुए भी एक घंटा हो गया है, आप देख सकते होंगे इसमें भी थोड़ा थोड़ा ऑयल छूटने लगा है। अब हम इसे एक जार में ले लेंगे। इंस्टेंट आम का अचार हमारा खाने के लिए तैयार है। इसे आप भाकरी, थेपला, खाखरा बहुत सारी आइटमों के साथ सर्व कर सकते हैं। है ना कितनी इजी मेथड। आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं, पर उससे तुरंत यूज करना हो अचार तो थोड़ी सी कड़वाहट लगती है, इसलिए मैंने मस्टर्ड पाउडर नहीं डाला है, आप चाहो तो डाल सकते हो। देखिए ये मेरे पिछले साल का अचार है, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए साल भर के बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा है। अचार की जो रेसिपी आज मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर की है, सेम इसी रेसिपी से मैंने ये एक साल पहले अचार बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश अचार रहा हो वैसा ही अचार है। इसके अंदर के जो मैंगो गले हुए हैं उसके ऊपर से आपको अंदाजा आ रहा होगा कि ये साल भर पुराना है, बाकी इसका कलर बिल्कुल अभी बनाया हो वैसा ही है। मैं आगे वीडियो में आपको दोनों अचार साथ में रख के भी दिखाती हूँ। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल फ्रेश अभी बनाया हो ऐसा अचार। एक घंटा हो गया है, अब हम अचार को इस तरह से वापस से थोड़ा सा हिला लेंगे। हर एक दो घंटे में अचार को इस तरह से हिलाते रहना है। देखिए अचार को रखे हुए 24 घंटे हो गए हैं, इसमें से काफी सारा तेल भी छूटने लगा है, आप देख सकते होंगे। इसको अच्छे से हिला लेंगे और एक कंटेनर में ले लेंगे जिसमें हमको अचार को स्टोर करना है। अचार को आपको फ्रीज में स्टोर करना है, इसलिए अगर आप चाहे तो प्लास्टिक का कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, पर खास ध्यान रखें कि आप प्लास्टिक जो भी ले रहे हैं वो फूड ग्रेड होना चाहिए और कंटेनर एयरटाइट होना चाहिए। देखिए अब मैं मेरे पिछले साल का और इस साल का अचार आपको एकदम साथ में रख के दिखा रही हूँ। देखिए पिछले साल का अचार भी लग रहा है ना एकदम जैसे कि अभी बनाया हो वैसा। इस रेसिपी से और फ्रीज में स्टोर करने से आपका अचार पूरे साल ऐसे का ऐसा लाल रहेगा और खाने में भी ये इतना ही टेस्टी बनेगा। चलिए अब इसे जार में ले लेते हैं। मैं अचार को स्टोर करने के लिए एक कांच का जार यूज करती हूँ इस तरह का। आज की वीडियो में मैंने जो अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की है उस रेसिपी को फॉलो करके इस साल जरूर घर पे अचार बना के देखिए। सच में इतना टेस्टी और इतना अच्छा अचार बनता है कि आप बाहर की कंपनी के कोई भी अचार को भूल जाएंगे। अगर एक बार आप ये रेसिपी फॉलो करके अचार बनाएंगे तो सच में आप हर साल यही अचार बनाना चाहेंगे। इस अचार की रेसिपी को लेके अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।